Hi, welcome back to my channel. It's me, Priya again. I hope you all are doing well. सो रात में बज रहे हैं 12, तो मैं यहाँ से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। इट्स माय 25th बर्थडे व्लॉग। तो रात में आए थे मेरे हस्बैंड अविनाश के DN जीजू, तो वो लोग केक लेकर आए थे, तो हमने केक कटिंग की। देन वी थॉट कि हम लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, तो हम जा रहे हैं VIP। जो भोपालीज हैं उनको पता होगा VIP क्या है। तो बहुत ही पॉपुलर प्लेस है ये भोपाल की, ये वो एरिया है भोपाल का जो रात भर नहीं सोता है। रात के 12-12 बजे आप लाइटिंग क्राउड देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। इस साल भोपाल में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जिसके कारण सारे तालाब फुल हो चुके हैं। भोपाल को वैसे भी झीलों की नगरी कहा जाता था, तो इस बार तो फुल ऑन जो तालाब हैं वो भरे हुए हैं, ग्रीनरी हर तरफ दिखने को मिल रही है। तो जो सीनरी है भोपाल की वो बहुत ही ब्यूटीफुल है इस टाइम पर। सो वी ऑल लव दिस प्लेस, वी एंजॉयड अलॉट। एंड देन 15-20 मिनट हम वहाँ पर रुके थे। बहुत ही पीसफुल, बहुत ही रिलैक्सिंग लगता है वहाँ पर बैठना, थोड़ी देर रुकना, बहुत ही प्यारी हवा चलती है। रात के 12-12 बजे भी वहाँ पे आपको आइसक्रीम पार्लर इस तरह का मिल जाएगा। रात 12 बजे कॉर्नेट चॉकलेट खाते हुए यहाँ पे VIP भोपाल। इवन रमज़ान और ईद में जो क्राउड होता है वो डबल होता है। यहाँ के जो मार्केट्स होते हैं वो 4-5 बजे तक खुले रहते हैं। इसके बाद हम आए थे शीतलदास की बगिया। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, स्टेयर्स हैं, आप थोड़ी देर यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। यहाँ पर भी क्राउड बहुत रहता है, ये स्टेयर्स नीचे तक हैं बहुत, बट अभी पानी ऑलमोस्ट फुल है तो वो पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। बहुत तेज़ हवा चल रही थी, लहरें भी बहुत तेज़ थी। हम यहाँ पे 5-10 मिनट रुके, फिर हम लोग घर की तरफ चले गए थे। इसके बाद अब मैं डे जो हमारा लंच था उसके लिए मैं तैयार हो रही थी दिन में। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस पे लगाया था प्राइमर, उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ सीरम। बाद मैंने यूज़ किया है ऑरेंज करेक्टर, क्योंकि मुझे थोड़े से डार्क सर्कल्स मेरे ज़्यादा लग रहे थे, तो मैंने यहाँ पे करेक्टर यूज़ किया है। उसे अपने फिंगर से ही अच्छे से ब्लेंड कर दिया, क्योंकि फिंगर से बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ NYB की CC क्रीम। बहुत ही अच्छा कवरेज है इसका, मीडियम कवरेज है और डे लुक के हिसाब से बहुत परफेक्ट है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कोई भी फाउंडेशन लगाना। बहुत अफोर्डेबल है, इवन आफ्टर डिस्काउंट आपको 60-80 रुपीज़ के बीच में ये मिल जाती है, तो बहुत ही अफोर्डेबल है। कवरेज भी बहुत अच्छा है, ड्यूई फिनिश देता है, मेरे फेस का एग्जैक्ट शेड है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर वेट एंड वाइल्ड का, इसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसका भी कवरेज बहुत अच्छा है। इसको भी अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब मैं अपना जो मेकअप है उसे सेट कर लूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर से। इसके बाद अब मैं ग्रे आई शेडो के से अपनी जो आईब्रो फिल है वो कर रही हूँ। बहुत परफेक्ट शेड लगता है वो मेरे आईब्रो के लिए, इसलिए मैं आई शेडो ही यूज़ करती हूँ, कोई भी पेंसिल या कोई भी आईब्रो पोमेड यूज़ नहीं कर रही हूँ। फिर मैं यहाँ पर एक ऑरेंज आई शेडो ले रही हूँ और उसको अपने आईलिड पे प्लेस करा रही हूँ। मैं सिर्फ एक ही आई शेडो यूज़ करूँगी, मुझे बहुत ही सिंपल लुक रखना है ये। तो मेरा गाउन पीच कलर का था इसलिए मैं यहाँ पे ऑरेंज आई शेडो यूज़ कर रही हूँ, तो मैं उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद अब मैं लगाऊंगी आईलाइनर, तो मैं हल्का सा विंग आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। उसके लिए भी मैं यहाँ पर NYB का आईलाइनर ही यूज़ कर रही हूँ। द
देन मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ब्लश पीच एंड बेबी पिंक को मिक्स करके। मेरी जितनी भी पैलेट्स हैं वो सारी मेकअप रिवॉल्यूशन की ही हैं, तो मैं सब ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर दूँगी ताकि अगर कुछ भी एक्स्ट्रा लगा हो तो वो हट जाए और ज़्यादा ब्राइट ना हो। देन आई एम यूजिंग ब्रॉन्जर, क्योंकि मेरा फेस थोड़ा सा फ्लैट लग रहा था तो मैं यहाँ पर ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ। देन मैंने हाइलाइटर यूज़ किया है। अब मैं अपने इनर कॉर्नर्स को गोल्डन आई शेडो से थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगी ताकि थोड़ी साइज ब्राइटन अप लगे। फिर वही सेम आई शेडो मैं अपने ब्रोबोन पे फिंगर की हेल्प से लगा लूंगी। देन मैं अपनी लोअर आईलैश लाइन पर भी वही सेम आई शेडो जो है वो लगाऊंगी। बस मैं अब लिपस्टिक लगा के अपना लुक कंप्लीट करूंगी। NYB का क्रियॉन मैंने यूज़ किया, अच्छा खासा मैट फिनिश है, अफोर्डेबल रेट है, बहुत ही प्यारा क्रियॉन है ये। देन मैंने अपने बाल ड्राई करे एंड यहाँ पे मैं पहन रही हूँ मंगलसूत्र जो कि मेरी सासू मॉम ने मुझे गिफ्ट किया है एंड आई लव इट। उसके बाद हम लंच के लिए जा रहे हैं तो हमारे साथ में है अविनाश मेरे हस्बैंड के दी एंड जीजू, हम इन लोगों के साथ लंच के लिए जा रहे हैं। तो ये है भदभदा पुल भोपाल का। तो हम लोग लंच के लिए आए हैं फूड लाउंज, हमारा भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम है। ये नीलवर रोड पे पड़ता है। लुक वाइज बहुत ही अच्छा था, इस तरह के छोटे छोटे कॉटेज हैं उसमें आप अपने उनके जो कर्टन्स हैं उनको बंद करके बैठ सकते हैं, फुल ऑन प्राइवेसी दी जाती है, बहुत ही अच्छी जगह थी ये। देन हमने यहाँ पर अच्छा खासा लंच किया था, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था, क्वांटिटी खाने की बहुत अच्छी थी। तो जो भोपाली जो हम यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं और जिन्होंने ट्राई कर चुका है उनको पता होगा कि जगह परफेक्ट है लंच एंड डिनर के लिए। सर्विस भी बहुत फास्ट है यहाँ की। अच्छा तुम्हें खाना है? देन लंच करके अब हम आ गए थे कलियासोत डैम। बट अभी कोई भी गेट नहीं खुला हुआ था इसलिए वहाँ पे कोई पानी नहीं भरा हुआ था। जब गेट खुलता है तो वो पूरा फुल हो जाता है। जब एक गेट खुलेगा तब यहाँ भरेगा पानी। तो अब हम जा रहे हैं घर वापस क्योंकि शाम को भी पार्टी है तो उसके लिए मुझे रेडी होना है। हाय, तो हम लोग आ चुके हैं लंच करके, तो अब मुझे मेकअप रिमूव करना है। हम लोग आ गए थे 5 बजे, 5 से 6 रेस्ट किया। अब मैं रेडी होना स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि शाम को भी एक पार्टी है मेरी फैमिली के साथ, तो फिर हम लोग उस पार्टी में जा रहे हैं तो मैं उसके लिए रेडी होंगी। तो पहले मैं ये मेकअप रिमूव करूँगी। आई मेकअप स्टार्ट करूंगी ताकि कोई भी फॉल आउट हो तो तुम मैं हटा सकूं। सीधा लगा रही हूँ ऐसा आई बेस ताकि जो भी कलर मैं यूज करूँ पॉप आउट होकर आए। मेरा ड्रेस जो है वो रेड समथिंग हो जाए तो मैं हल्का सा स्मोकी आई लुक क्रिएट करूंगी। तो मैंने यहाँ पर लिया है ब्राउन शेड जो कि मैं अपने सारे कलर को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले ब्राउन शेड लगाया था, देन मैं यूज़ कर रही हूँ डार्क पर्पल एंड रेड कलर का कॉम्बिनेशन का मैंने आई शेडो यूज़ किया था यहाँ पर। मैंने बहुत फटाफट किया था क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, मैंने अच्छी तरीके से उसको शो नहीं करा है, पर बाद में मैं स्मोकी आई लुक पर एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी।
में जो भी फॉलआउट हुआ है मैं उसको अच्छे से वेट वाइप की मदद से साफ़ कर लूँगी। यही फ़ायदा होता है सबसे पहले आई लुक क्रिएट करने के लिए, क्योंकि आप अच्छे से उसको क्लीन कर सकते हो बाद में। मैंने अपने फेस को तो बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है, मैं लगाऊंगी अपने फेस पे प्राइमर। एन ऑरेंज करेक्टर एंड फिर मैंने उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया ब्यूटी ब्लेंडर से। इस बार मैंने फिंगर यूज़ नहीं की। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लॉरियल टू मच फाउंडेशन, क्योंकि नाइट लुक है तो मैं थोड़ा सा कवरेज ज़्यादा चाहती थी, इसलिए मैंने यहाँ पे फाउंडेशन का यूज़ किया है। मैं अच्छे से नेक पे अच्छे से फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि कोई भी क्रीज लाइन कुछ भी अच्छे से मिक्स अच्छे से हो जाए मेरी वो स्किन पे। और ये भी परफेक्ट शेड है मेरी स्किन के लिए, इसके अलावा मुझे कोई भी फाउंडेशन नहीं लगाना पड़ता है इसके साथ, और बहुत ही ड्यूई फिनिश देता है ये भी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये फाउंडेशन। कवरेज भी बहुत अच्छा है, मीडियम से हाई कवरेज है, आप बिल्डअप कर सकते हैं इसको। इसके बाद मैं वही सेम कंसीलर जो मैंने मॉर्निंग में यूज़ किया था, मैं वही कंसीलर फिर से यूज़ कर रही हूँ, उसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैं बहुत जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत लेट हो रही थी, कॉल पे कॉल आ रहे थे। करने के बाद मैंने फिर से उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लिया था। देन मैंने आईलाइनर लगाया। लाइटिंग इज नॉट गुड बट मस्कारा लगा रही मस्कारा अप्लाई करने के बाद मैंने फिर से वही पर्पल शेड जो है वो अपनी लोअर आईलैश लाइन पे लगाया था। आई जस्ट लव दैट काइंड ऑफ लुक, दैट्स व्हाई। लगाने के बाद देन मैंने ब्लश लगाया विद द सेम पैलेट, हल्का सा ब्रॉन्ज करके अपने फेस पे, क्योंकि जब फाउंडेशन लगाओ तो फेस पे कोई भी चीज फ्लैट दिखने लगता है। अप्लाई कर लेती हूँ, वो भी कैमरा में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो कुछ लगती नहीं है। लगाने के बाद ड्रेस मैंने अपनी पहन ली है, मैं फटाफट उस लिपस्टिक लगा कंप्लीट करती हूँ, फुल ड्रेस मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। मैंने पहले लिप क्रेयॉन लगा लिया है ताकि जब मैट लिपस्टिक लगाऊँ तो ज़्यादा ड्राई ना हो। मैं न्यू शेड लगा रही हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा सा आई मेकअप डार्क किया है, तो मैं न्यू शेड लगा रही हूँ। तो रात के डिनर के लिए हम लोग गए थे नेचर कॉटेज जो कि कैरवा डैम के पास है। वो यहाँ पर भी कॉटेज टाइप के बने हुए हैं, हॉट टाइप के बने हुए हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5-6 कॉटेज बने हुए हैं, थोड़ा सा फ्री स्पेस है, अगर आप चाहें तो दोनों जगह बैठ सकते हैं, कॉटेज में बैठना चाहें तो वहाँ पे या फ्री स्पेस पे। देन वहाँ पर भी केक कटिंग की थी। जाओ शिखा दी लिपस्टिक खाओ। केक पर मेरे जितने भी मेकअप आइटम्स थे वो आ चुके थे।
क्या हो गया इनको? काटने ले काट रहा है वो। मिस्टर कौन है वो? असली नहीं है, नकली नहीं है, नहीं काटेगा, नकली है। जैसे आपके पास टॉयज है ना, वैसे ही है वो, टॉय है टॉय। उसके ऐसे हाथ रखो, उसके मुंह में ऐसे हाथ रखो, कुछ नहीं करेगा। मम्मी रहता है वो, आपको स्कूल में दिखाया था ना मैम ने। Party is over and we are heading towards our home.